उनके कर्मियों से हम आशीषित होंगे, आशीर्वाद पाएंगे,
जो हमारी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा। यदि बीमार है वो अच्छा करेगा। यदि मन में अशांति है वो शांति देगा। यदि मुक्ति चाहिए वो मुक्ति देगा। आज की शाम मैं आप सबका इलाहाबाद की इस परम पावन नगरी में, इस परम भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करें। कल हम लोगों ने एक गीत गाया था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बहुत से मेरे भाई बहनों ने आकर कहा आज के दिन वही गीत फिर से गाएंगे। गीत के शब्द हैं, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। आइए आज की शाम नाचकर और गाकर ताली बजाकर खुशी मनाकर हम अपने उस ईश्वर की आराधना करें, हम अपने भक्ति पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। और यदि आप नाचना चाहते हैं, मैंने आज तक किसी को बैठे हुए नाचते नहीं देखा, यदि नाचना चाहते हैं जरूर खड़े हो जाइए हमारे साथ, ताकि आप भी नाचें, हम भी नाचें और हम मिल करके नाच कर और गा कर अपने ईश्वर की आराधना कर सके। सो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। जो लोग खड़े हो सकते हैं अवश्य खड़े होइए। यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं बैठे रहिए, परमेश्वर आपको जानता है, आपसे प्रेम करता है। यदि आपके पैरों में ताकत है, शरीर में ऊर्जा है, जरूर खड़े होकर के हम अपने उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। Yeah.
हम ऐसा चाहते हैं, क्या ऐसा चाहते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन पर, हमारे शहर प्रशासन पर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हो? हाँ, जोर से ताली बजाकर के धन्यवाद देंगे।
मुझे प्यार करता हो यश मुझे प्यार करता हो सबसे है प्यार करता आज खुशियां मना लोगो ओ यश मुझे प्यार करता हो यश मुझे प्यार करता हो सबसे है प्यार करता आज खुशियां मना लोगो इंसान को पाप से बचा लिया मुक्ति से प्रदान कर दी और वापस वैसा ही सुंदर बना लिया।
To the plane.
इस प्रकार से परमेश्वर
भारत है। हम चाहे किसी भी धर्म के, हम चाहे किसी भी मान्यता के, हम चाहे सामाजिक स्तर हमारा कैसा भी क्यों ना हो, आज की शाम आप सबका स्वागत है। हमारा परमेश्वर बिना भेदभाव के सबसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। मेरी गलतियों के, मेरे अपराधों के, मेरी खामियों के बावजूद वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हमारे जीवन में खुशी रहे, शांति रहे, हम स्वस्थ रहे और हमारे परिवार हमेशा बने रहे, सदा बने रहे। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और आज की शाम इस मित्रता उत्सव के दूसरे दिवस मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हमारे हिंदू भाई बहनों का, हमारे मुसलमान भाई बहनों का, हमारे सिख भाई बहनों का, हमारे ईसाई भाई बहनों का, और यदि किसी धर्म के, किसी भाषा के, किसी मान्यता के लोग हैं, सबका इस जगह पर स्वागत है। ये स्थान सबका है, ये कार्यक्रम सबका है, ये किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये किसी विशेष समुदाय का नहीं है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर सबका, इसलिए कार्यक्रम सबका है और हम सब एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे और सौहार्द और शांति के वातावरण में हम बने रहे। और आज की शाम मेरी यही कामना है, हम सब की यही कामना है, जितने हमारे भाई बहन यहाँ हैं, जितने हमारे भाई बहन यहाँ हैं, हम सबकी यही कामना है कि ईश्वर का अनुग्रह हमारे शहर के ऊपर हो, इलाहाबाद के ऊपर हो, यहाँ शांति रहे, हर प्रकार की सफलता रहे, हर प्रकार की सकारात्मकता रहे। हमारी कामना है हमारे भारत देश के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग सफल हो, समृद्ध हो, शांत हो, परिवारों में उन्नति आए, हमारे बच्चों में उन्नति आए, हमारे जीवन में उन्नति आए, ऐसी हमारी कामना है। आपकी शाम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सब जो कि कचहरी के पास में है, वहां की जो छात्राएं हैं वो आज की शाम एक और विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद एक क्योंकि वह हमारे साथ शक्तिमान यीशु हमें जीवन देने वाला है। यीशु ही हमारी आस्था, आशा और आनंद है। तो आइए इस संदर्भ में हम देखें एक गीत नाटक का।
श्री प्रकाश जो कि श्री प्रकाश राय जो कि ललित के नाम से जाने जाते हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करना चाहेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे और उनका जोरदार स्वागत करेंगे। थैंक यू सर आपके कीमती समय देने के लिए जबकि आप हमारे बीच में आए हैं। आवाज बढ़ाएं सराय जी का भी स्वागत करें और भी अगर ऑफिसर्स हैं हमारे बीच में उनका स्वागत करने के लिए। ये मित्रता महोत्सव सम्मेलन है, इसमें हर एक जन का स्वागत है। आइए हम इस गीत को देखेंगे और डांस को देखेंगे। तो जाए किनारा नजर ना आए तुम उसको बुला लेना वो फल भर में आ जाए। दुनिया ना दे सके जब सुख शांति का सहारा।
It's wonderful to see you here tonight. God loves Allahabad. परमेश्वर अलाहाबाद से प्रेम करता है. And when I speak tonight, और जबकि आज की रात में आपसे बातचीत करूंगा, faith will come in your heart. आपके दिल में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा. This is a festival for all people. ये महोत्सव सारे लोगों के लिए है. No discrimination. कोई भी भेदभाव की बात नहीं. I promise I don't lift up one religion above the other. मैं वादा करता हूँ कि मैं एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा करने के बात नहीं करूंगा. I am talking about God's love. मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करूंगा. Revealed for you, जो आपके लिए प्रकट होने पाए. Through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने पाए. And we give praise to the Lord Jesus. और उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे. He's our Messiah. Amen. I want to thank all the police. मैं सारे पुलिस विभाग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. That are supporting and helping and protecting.
जो मदद कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। Let's give a big clap for the police. आइए उनके लिए जोरदार ताली बजा के उनको उनको शाबाशी दी जाए। Yes, India is a great democracy. भारत एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र है। Now, tomorrow night, कल की रात्रि में, I want you to invite the blind. मैं चाहता हूँ कि अंधे लोग भी इस सभा में आए। Bring the blind. जो लोग आंखों से अंधे हैं उनको मीटिंग में आप सभा में लाएं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, When you have a celebration, जब तुम उत्सव करो, Bring the blind. तो तुम अंधों को बुला के लाओ। I'm asking God for three things. और मैं परमेश्वर से तीन बातें मांग रहा हूँ। That blind people will receive their sight. कि अंधों को उनकी दृष्टि मिले पाए। That spiritual blindness will be healed. अंधेपन की आत्मा चंगी होने पाए। And many other miracles will happen. और दूसरे चमत्कार उनके शरीरों में होने पाए। In some of the festivals we have conducted, और कुछ उत्सवों को महोत्सवों को जो हमने we have seen 25 even 30 people receive sight in one night. हमने एक ही रात में 25 से 30 लोगों को परमेश्वर की ओर से आंखों की दृष्टि को पाते देखा। We believe God will do great things here in Allahabad. विश्वास करते हैं अलाहाबाद में भी परमेश्वर वैसा ही करेगा। Amen. 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 Now I want to speak to your word of explanation. मैं आज की संधि आपको परमेश्वर का वचन समझाऊंगा। Before I preach to you, इसके पहले कि मैं आपको प्रचार करूं, I know you read in the newspapers there have been many protests. और मैंने देखा है, आपने भी पढ़ा होगा समाचार पत्रों में विरोध के बारे में। And so today, और इसलिए आज, we received instruction. हमको ये निर्देश मिले हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सरकार की ओर से asking us, हमसे ये कहा गया है that when you are healed, जब आप चंगे हो जाएं, you do not come up on the platform. आप यहाँ ऊपर स्टेज प्लेटफॉर्म में ना आए। I understand, मैं समझता हूँ। So we obey the law, तो जो नियम है कानून उसको हम जरूर मानेंगे। Good news. लेकिन एक सुसमाचार देना चाहता हूँ। आपको चंगा होने के लिए ऊपर आने की जरूरत नहीं है। I don't touch anyone, क्योंकि मैं किसी को छूता नहीं। Jesus is here to touch people. यीशु यहाँ पर है लोगों को छूने के लिए। So go ahead and clap. आइए ताली बजा के परमेश्वर यीशु को धन्यवाद दें। इसलिए we will talk to you on the ground. हम आपसे जमीन पर आके बातचीत करेंगे। We'll find out down here on the ground. हम यहाँ जमीन पर आके बातचीत करेंगे। And so we want to say to all those who are protesting, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे, we love you. हम आपसे अभी भी प्यार करते हैं। God loves you. और परमेश्वर प्यार करता है। And we are here in friendship. और हम यहाँ से मित्रता बनाने आए हैं। Is not angry at anyone. Peter Yenrin किसी से भी क्रोधित नहीं है। Because my God is not angry. क्योंकि मेरा परमेश्वर क्रोधित नहीं है। My God is smiling on Allahabad. मेरा परमेश्वर अलाहाबाद से खुश है। So I am smiling to Allahabad. इसलिए मैं अलाहाबाद से खुश हूँ। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Yes. वो भला परमेश्वर है। Everyone is taking notice. और हर एक बात इस बात को जान ले। I especially love all the committee members. सारे कमेटी मेंबर्स से मैं प्रेम करता हूँ। Who have so much faith with me. जिसका बहुत बड़ा विश्वास है मुझ में। But you see, I am not dependent on any of these things. लेकिन मैं किसी बात के ऊपर आधारित नहीं हूँ। Oh, it was wonderful yesterday to see the platform full of people. और कल ये प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। Who told how God had healed them. जिन्होंने आके बताया कैसे परमेश्वर ने especially चंगाई दी। Many deaf ears that were healed. और बहुत से पैरों ने सुनना शुरू कर दिया था। But Jesus spoke to me 32 years ago. 32 साल पहले यीशु ने मुझसे कहा था। I was in Karnataka. जब मैं कर्नाटक में था। 32 years ago. 32 साल पहले। And I've been to 100 countries. और मैं लगभग 100 देशों में जा चुका हूँ। I was in India, Karnataka. जब मैं कर्नाटक भारत में था। And Jesus said to me. यीशु ने मुझसे कहा। If you will preach my gospel. अगर तू मेरा सुसमाचार सुनाएगा। And if you will believe it. और उस पर विश्वास करेगा। The people will believe it. अगर लोग विश्वास करेंगे। And Jesus said. और यीशु ने कहा। You don't have to touch the people. आपको लोगों को छूने की जरूरत नहीं। यीशु ने मुझसे कहा। I will come and touch them. मैं आपके लोगों को छूऊंगा। And I have seen that all over the world. और पूरी दुनिया में मैंने यीशु को ये करते हुए देखा। श्रीलंका में, in South America, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, in Russia, और रूस में, in Kazakhstan,
And so that's what's going to happen tonight. और आज वो यहाँ पर भी होगा. The longer, yes, go ahead and clap. आइए परमेश्वर को ताली बजा करके. The longer I speak to you, कितना देर मैं आपसे बोलूँगा. The more faith will come in your heart. उतना ज़्यादा विश्वास आपके हृदय में बढ़ेगा. So that's why I ask you to listen carefully. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान से सुने. Faith will come in your heart. विश्वास आपके हृदय में उत्पन्न होगा. You will be healed before I finish preaching. आप प्रचार क्या प्रचार करें से पहले बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे. Some of you are 100 meters away. और आप में से कुछ लोग 100 मीटर की दूरी पर बैठे हैं. Some of you are 10 meters away. 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं. But no matter where you are, जहां कहीं पर भी आप बैठे हो, Jesus will come and touch you. यीशु आकर के आपको छू लेंगे. And miracles will happen. और आपके चेहरों में चमत्कार होगा. Jesus is alive. क्योंकि यीशु जीवित परमेश्वर है. And remember, it doesn't matter what religion you belong to. चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. God loves everyone. परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं. And he loves you. और वो आपसे भी प्रेम करते हैं. Oh, that's wonderful. ये अद्भुत बात है. Are you ready? क्या तैयार? Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Oh God, हे परमेश्वर, I thank you for your love for Allahabad. अलाहाबाद के लिए तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद. Help me to preach your gospel. सहायता करके मैं आपका सुसमाचार सुना सकूं. Help everyone to listen. हर एक की मदद करें कि वो सुन सके. To not be distracted. किसी भी प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान भटक न पाए. But to hear. You will sin upon and to believe aur vishwas karne pa. Thank you Jesus. Yeshu tera dhanyawad. Amen. 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 I want to talk to you tonight. Aaj ki ratri mein main aapse bolna chahunga about the word. Vachan ke bare mein. About love. Vachan prem ke vachan ke bare mein. About believing. Vishwas ke bare mein. About action. Aur kriya ke bare mein. And about life. और जीवन के बारे में. Jesus came to a city. यीशु was crowd. वहां पर बड़ी भीड़ जमा थी. So it was packed with people. और वो जगह लोगों से भरी पड़ी थी. Just like you're packed in tonight. जैसे आज की रात की जगह लोगों से पटी और भरी पड़ी है. And there was a man. वहां एक व्यक्ति था. On a bed. जो बिस्तरे पर था. And four friends were carrying him. और चार लोग उसकी खाट को उठा करके ला रहे थे. And they came to the house. और वो घर में आए. But they couldn't get in. लेकिन वो अंदर जा नहीं पाए. Jesus was preaching the word inside. यीशु घर के अंदर से वचन का प्रचार कर रहे थे. Just like I'm preaching the word now. जैसे आज मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ. But they couldn't get in. वे लोग अंदर जाने ना पाए. So they couldn't say. आप उन्होंने खबर भेजी. Oh, maybe it's not the right time. Oh, ये सही समय नहीं है. Maybe we'll come some other time. हो सकता है दूसरे समय आना. बताइए. One of them said. उनमें से एक ने कहा. Let's think. आओ सोचे क्या करना है. You see, faith always finds a way. और आप इस बात को जान ले. विश्वास अपना रास्ता खुद बना लेता है. Faith finds a way. विश्वास अपना रास्ता बना लेता है. And there is faith here tonight. और आज की रात लोगों के बीच में आप विश्वास. And faith will find a way. और विश्वास स्वयं आपकी सहायता करेगा. Faith will open closed doors. और विश्वास बंद दरवाजों को खोल देगा. So he said, let's think. उन्होंने कहा आओ सोचे क्या करना चाहिए. Let's climb up on the roof. आओ छत पर चढ़ा जाए. Let's lift the tiles. और वहां के छत को हटा दिया जाए. Let's get ropes. और कुछ रस्सियों को ले आया जाए. And we lower the bed. और खाट को नीचे लटकाया जाए. With the lame man. उस आदमी को जो लंगड़ा था. Right in front of Jesus. यीशु के सामने उस आदमी को लटका दिया गया. So that's what they did. और वही उन्होंने किया. The man came through the roof. और व्यक्ति लोग छत से नीचे लेकर उसको. Right in front of Jesus. ठीक यीशु के सामने उस व्यक्ति को जो खाट पर लेटा था पहुंचा दिया. Still, still. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You see, I want you to hear the word. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने. That's why I'm so careful about distractions. इसलिए इधर उधर जो कोई चलता है, ध्यान बढ़ता है, इसको मैं ध्यान से देखता हूँ कि बटन न पाए. Faith will come in your heart. विश्वास आपके दिल में आएगा. When you hear the word. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. So we will let these gentlemen pass, and then we'll continue. वो बैठ जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे.
So he came down through the roof. और वह व्यक्ति को खाट से नीचे रखा दिया गया. And immediately Jesus turned to him. और उसी समय यीशु ने उसकी ओर देखा. And he said, और यीशु ने उससे कहा, Son, बेटे, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए. That's powerful. ये एक अधिकार में बात थी. I have come with a message. मैं से संदेश लेकर आया हूँ. I want to announce to Allahabad. और मैं अलाहाबाद को घोषणा करके बताना चाहता हूँ. आपके पाप भी क्षमा हो गए. You are forgiven. आपको क्षमा दे दी गई. You are forgiven. आपको क्षमा दे दी गई. You are forgiven. आपको क्षमा दी गई. God is smiling on you. परमेश्वर आपको देखकर खुश है. God is not angry with India. परमेश्वर भारत से नाराज नहीं है. God loves India. परमेश्वर भारत से भी प्रेम करता है. Jesus took your sin. उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया. He took your shame. उसने हमारी शर्म को अपने ऊपर ले लिया. He took your guilt. उसने हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया. मुझको आपको स्वतंत्र कर दे. Good news, Allahabad. Allahabad, अच्छा समाचार. Your sins are forgiven. तुम्हारे पाप क्षमा हो गए. Maybe you're a little sinner. हो सकता है छोटे पापी हो. Maybe you're a big sinner. या बड़े पापी हो. It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं. Your sins have been put away. ये पापों को यीशु ने हटा दिया. Oh, that's powerful. Oh, ये सुंदर बात है. When Jesus said that, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा. Some people said, कुछ लोगों ने कहा अरे, they were protesters. वो विरोध करने वाले लोग थे. They said, that's not right. उन्होंने कहा ये कैसे ये बोल सकता है. He can't say your sins are forgiven. ये यीशु कैसे किसी के पाप क्षमा कर सकता है. That's too much. ये तो बहुत बातें बना रहा है. Jesus can't do that. यीशु तुम तो ऐसा नहीं कर सकते. It's the same today. और आज भी ऐसे ही होता है. People say, Peter Younger, you can't just tell the whole crowd. और लोग बताते पीटर रहेंगे ना आप लोगों को ये नहीं बता सकते. That their sins are forgiven. कि उनके पाप क्षमा हो गए. But I remind you. लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ. That John said. कि यूहन्ना ने कहा. The blood of Jesus. यीशु का लहू. Is the forgiveness of our sins. हमारे पापों को क्षमा. But also the sins of the whole world. सारे संसार के पापों को भी क्षमा करता है. The whole world. That means Allahabad. और पूरी दुनिया में अलाहाबाद भी. Yes. So they were arguing. वे आपस में वाद विवाद कर रहे थे और आपस में विरोध यीशु का करने लगे. So then Jesus said, यीशु ने तब कहा, I have a question. मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ. Which is easiest? क्या भला है? To say your sins are forgiven. क्या आसान है ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए? Or to say to the lame man, या फिर इस फालिश के बारे से ये कहना, Rise up and go. ओह उठ जा और चलने लग जा. What's the easiest? क्या सरल है? Nobody had an answer. किसी ने कोई जवाब नहीं दे पाया. Jesus turned to the lame man. तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की ओर जो लंगड़ा था बोला. He said, so that you may know. जिससे कि तुम जानने पाओ. That Jesus has power to forgive sin. मुझे पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है. I say to you. मैं तुझसे कहता हूँ. Get up and walk. आओ इसमें से उठ जाओ चलने लग जाओ. Immediately. आप उसी क्षण. He took his bed. उसने अपने खाट को उठाया. He arose. And he walked. Hallelujah. 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 And I have a question for you. What is the easiest in Allahabad? Allahabad के लिए क्या आसान बात है? To stand here and tell you your sins are forgiven? यहाँ ये कहना कि आपके पाप क्षमा हो गए ये आसान है? Or to say tonight? आज की रात क्या ये कहना? I command arthritis to go. और मैं आज्ञा देता हूँ कि जो हड्डी की बीमारी वो Rise up and walk. और चलना शुरू कर दे. I command cancer to go. मैं कहता हूँ कैंसर जा ये कहना. Which is the easiest? क्या आसान है ये? Jesus said, "Yeshu
सकता हूं that I have power to forgive sin. मेरे पास अधिकार है पाप को भी क्षमा करने का. And that's what's going to happen tonight. और आज रात को यहां पर होगा. Miracles are going to happen on this team. चमत्कार इस मैदान में होंगे. Jesus is here tonight. क्योंकि यीशु हमारे बीच में है. So that you will know. जिससे आप जानेंगे. The gospel is not only in word. सुसमाचार केवल शब्द में नहीं. It is in power. बल्कि वो सामर्थ्य के साथ. Oh, that's good news. Yes. Jesus was preaching the word. यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे थे. What does that mean? इसका क्या मतलब? The word is the good news. Oh, वचन जो है वो एक सुसमाचार है. It's the word about Jesus. वो यीशु मसीह का वचन है. It's the gospel. वो सुसमाचार है. Jesus said, "My word is a seed." यीशु ने कहा मेरा वचन बीज है. How many of you have ever planted a seed? आप में से कितने लोगों ने बीजों को बोया है? If you ever planted a seed, let me see your hand. अगर आपने कहीं पर बीज को कोई बोया अपने हाथ में. Have you ever planted a seed? क्या आपने कभी कोई बीज बोया? You make a little hole in the ground. आप में जहाँ लगता है